हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 27th ऑफ अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन एंड इंडिया एविएशन समिट। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश ईयू इंडिया एविएशन समिट का मेज़बान है। आपके ऑप्शंस है इंडिया, इटली, जर्मनी या फिनलैंड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका मेजबान देश है इंडिया। सो अ टू डे यूरोपीय यूनियन इंडिया एविएशन समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट विल फोकस ऑन एयर ट्रांसपोर्ट रिलेशंस एंड द म्यूचुअली शेयर्ड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूरोपीय यूनियन एंड इंडिया। एंड ड्यूरिंग द समिट अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट वॉज साइंड बाई द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद यूरो कंट्रोल and a letter of intent memorandum of understanding was signed by DGCA with the European Union Aviation Safety for closer operation। बढ़ते हैं next question की ओर। Which union ministries are associated with the 100 street food initiative? आपसे पूछा जा रहा है कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 food streets पहल से जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एंड जल शक्ति मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 फूड स्ट्रीट्स इनिशिएटिव। ये हेल्थ मिनिस्ट्री और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। So the Union Health Ministry in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Affairs has requested states and UTs to develop 100 food streets in 100 districts across India, and this pilot initiative seeks to ensure hygienic and safe food practices among food businesses and community members। बढ़ते हैं next question की ओर। With reference to the Central Bureau of Investigation, choose correct statement। आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। सेकेंड, इट्स कन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 85-90%। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दैट इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। सीबीआई की बात करें तो इट इज़ अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया एंड इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। It functions under the superintendence of Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances, which falls under the Prime Minister's office. And its conviction rate is as high as 65-70% and it is comparable to the best investigation agencies in the world. बढ़ते हैं next question की ओर। With reference to plastic waste management in India, choose correct statement। आपसे पूछा जा रहा है भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज़ अ प्लेस टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स बाय 2025। सेकेंड, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 प्रोवाइड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स इन 4 कैटेगरीज। थर्ड, द रूल्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। आपसे सही कथन पूछा गया और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इंडिया हैज़ अ प्लेस टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2022 and the plastic waste management rules 2022 provides for the classification of plastics into 4 categories। category 1 is rigid plastic packaging will be included under this category। in category 2 flexible plastic packaging of single layer or multi layer plastic sheets and cover made of plastic sheet, carry bags,
और पाउचेस विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी इज मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी. एंड फोर्थ कैटेगरी इज प्लास्टिक शीट और लाइक यूज्ड ऑफ पैकेजिंग एज वेल एज कैरी बैग्स मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच इंडियन स्टेट इज ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय राज्य सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाला पहला राज्य बनने की राह पर है. आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ऐसा करने वाला सॉरी और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश. सो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्लान टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट. एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू कन्वर्ट ऑल व्हीकल्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इनटू ईवीज बाय 2030 इन अ फेज्ड मैनर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मातरबारी डीप सी पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा मातरबारी डीप सी पोर्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है. आपके ऑप्शन हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. मातरबारी डीप सी पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है. सो दिस पोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन एट मातरबारी इन बांग्लादेश एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इज बींग कंस्ट्रक्टेड विद जैपनीज असिस्टेंस एंड इज शेड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल इन 2027. अपॉन कंप्लीशन इट शुड सर्व एज अ की पोर्ट ऑफ इंडियाज अंडर डेवलप्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. India's northeastern states, collectively known as Seven Sisters, are landlocked by China, Myanmar, and Bangladesh. बढ़ते हैं next question की ओर. What is the name of village in Uttarakhand that has been recognized as the first Indian village? उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे प्रथम भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई. आपके ऑप्शंस हैं गंगा, केदारनाथ, ऋषिकेश या माना. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा दिया गया है माना विलेज को. सो माना विलेज इन उत्तराखंड विच वॉज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज द लास्ट इंडियन विलेज विल नाउ बी एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट इंडियन विलेज एंड इट इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 मीटर्स ऑन द नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ नेशनल हाईवे 7. माना इज बिफोर द माना पास एंड इज 26 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत. द विलेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम द हिंदू पिलग्रिमेज बद्रीनाथ. इसके नियर बाई प्लेसेस हैं वसुंधरा फॉल, सतोपंथ लेक, भीम पुल एंड सरस्वती टेम्पल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which of the following countries are part of SCO Cooperation Organization? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं. और ऑप्शन हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और श्रीलंका. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं जबकि तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है. सॉरी यहाँ एक करेक्शन की आवश्यकता है. इसमें श्रीलंका भी इसका पार्ट नहीं है. आपको ऑप्शन करेक्ट करना होगा. आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. SCO की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया 2001 में. SCO की बात करें और
तो इसमें करेंटली 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसमें ध्यान देने बात यह है कि मध्य एशिया से इसमें तुर्किस्तान शामिल नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इन 2021 द डिसीजन वॉज मेड टू स्टार्ट द एक्सेशन प्रोसेस ऑफ ईरान टू द SCO एज अ फुल मेंबर एंड इजिप्ट, कतर एंड सऊदी अरब बिकेम डायलॉग पार्टनर्स। Since its inception in 2001, the SCO has mainly focused on regional security issues. Its fight against regional terrorism, ethnic separatism and religious extremism. SCO has been an observer in the United Nations General Assembly since 2005. SCO की बात करें तो SCO के member states में हैं चाइना, कजाकिस्तान, आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, किर्गिस्तान है, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसके साथ ही ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें 6 कंट्रीज़ हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। इसके साथ ही SCO का गेस्ट अटेंडेंस है आसियान में, तुर्कमेनिस्तान में, CIS में और UN में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।